बाबा बालकपुरी के डेरे पर चल रही भागवत कथा में भाव विहोर हो झूमे बाबा कालिदास। कथा व्यास किशोरी माधवी शर्मा के प्रवचनों ने बांधा समा। रोशनियों में नहाया बाबा बालकपुरी का डेरा, बना आकर्षण का केंद्र। रोहतक में बाबा बालकपुरी का डेरा रोशनियों में नहाया हुआ है। रोशनियों में नहाया हुआ बाबा बालकपुरी का डेरा आजकल शहर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देर रात तक राहगीर रोशनियों में नहाए हुए डेरे को देखते नजर आते हैं। दूसरी तरफ कथाव्यास माधवी किशोरी शर्मा के दिव्य भजन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कथाव्यास माधवी शर्मा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से भक्तों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाने से मन सरल हो जाता है तथा बाहरी आडंबरों से पीछा छूटता है। उन्होंने सभी से श्रीमद् भागवत कथा पूरी श्रद्धा और लगन से सुनने का आह्वान भी किया। बाबा बालकपुरी के डेरे पर आज हुई कथा के मुख्य अतिथि रोहतक के पूर्व विधायक भारत भूषण बत्रा थे। 1008 बाबा कालिदास जी महाराज ने स्वयं यहां अतिथियों का अभिनंदन किया। किन्नर समाज से जुड़े बाबूराम, कांग्रेस नेता परमजीत पम्मी, समाज सेवी सुभाष तायल का भी इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। डेरे के महंत बाबा कर्णपुरी ने यहाँ आगमन पर सभी का आभार व्यक्त किया। देर रात तक यहाँ चली कथा में श्रद्धालु भाव विहोर हो भक्ति में झूमते नजर आए। आज विशेष रूप से यहाँ कान्हा जी को 56 भोग का भोग भी लगाया गया।
पूर्व विधायक भारतभूषण बत्रा ने इस अवसर पर कथा में आमंत्रित करने के लिए सभी आयोजकों का आभार व्यक्त किया। मैं तो बुलवा के सभी का, महाराज जी का और सभी आप जाने के लिए काफी आतुर हैं और शाम को फिर यहाँ पर कीर्तन होगा, सत्संग होगा। आज बहुत ही आशीर्वाद देने का मौका मिला हमारे बहुत ही परम श्रद्धे, बहुत ही आदरणीय बाबा करणपुरी जी महाराज, हमारे बहुत ही आदरणीय दादा सम्मानीय जिनको एक संत की उपाधि है, संत कालिदास जी, हमारी बहुत ही संकट मोचन मंदिर से श्रीमती साध्वी मनेश्वरी देवी जी, महंत बाबूराम जी, महंत अनिल जी महाराज, हमारे तायन साहब, मदन गोपाल गोसाई जी, हमारे बम्बी जी परमजीत जी, मंच का संचालन करे नरेश नंद कपूर जी और साथ में विनोद जैन जी और मेरी आदर के योग मेरी बहने, मेरी माताएं, दोस्तों, आज कितना अच्छा मधुर आपके सामने सभी ने कृष्ण जी के दर्शन किए, उस लड्डू गोपाल के आपको दर्शन करने के लिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज के दिन ज्यादा कुछ ना कहता हुआ यही कहूंगा कि बाबा करणपुरी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सारे के सारे पर्व के अंदर। बाबा बालकपुरी जी की पुण्यतिथि में ये सारा महान जग हो रहा है और आज ये एक भव्य हाथ जो इस बाबा जी ने बनाया है ये देखने ही बनता है।